सुजानपुर में बीते शनिवार को आने वाले उत्सव को लेकर पुलिस व राजस्व अफसरों द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसका समिति के सदस्यों ने बहिष्कार किया था। बैठक में विसर्जन जुलूस में डीजे न बजाने, विसर्जन मार्ग में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के लिए तैयार रहने जैसे मुद्दों को लेकर समिति सदस्यों और अधिकारियों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद समिति के सदस्य असहमति जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर चले गए थे। इस बैठक का बहिष्कार करने के बाद आने वाले उत्सवों के दौरान शांति भंग होने की आशंका के चलते व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सूचना पर दो भाजपा पार्षदों सहित 13 उत्सव समिति सदस्यों को प्रतिबंधात्मक धारा 107 116 के तहत सूचना पत्र जारी किए गए हैं। इन सभी को तहसीलदार के समक्ष जमानत मुचलका भरना होगा और इन्हें आगामी दिनों में शांति व्यवस्था को लेकर चेतावनी दी जाएगी। वहीं इस कार्रवाई को गलत बताते हुए इस बारे में उत्सव समिति सदस्य ने कहा है कि इस सूचना पत्र का वे कानूनी जवाब देंगे। बैठक के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि डीजे नहीं बजाया जाएगा, उसी बात पे विवादित स्थिति बनी थी और इसी बात को लेकर शांति समिति और जो आयोजक लोग थे उनके द्वारा शांति समिति का बहिष्कार करके चले गए थे। कुछ लोगों द्वारा विशेष रूप से बाहर जाके भी हंगामा वगैरह किया गया था, नारेबाजी की गई थी। आगे भविष्य में कोई गड़बड़ नहीं करें उसके तारतम्य में 107-116 की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है एवं उन्हें नोटिस भेजे गए हैं बाउंड ओवर कराने के लिए। कुल टोटल 13 व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई।